प्रदेश में कोविड-19 को लेकर उपजे संकट का सामना गरीब असहाय जरूरतमंदों को करना पड़ रहा है। ऐसे में कई समाज सेवी और जनप्रतिनिधि आगे आकर इनकी मदद कर रहे हैं। जयपुर के दूदू से विधायक बाबूलाल नागर अपने विधायक कोष से 2 करोड़ रुपए की राशन सामग्री का क्षेत्र में वितरण कर चुके हैं। विधायक बाबूलाल नागर क्षेत्र में अब तक 1,40,000 राशन सामग्री के किट का वितरण करवा चुके हैं और इसी कड़ी में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने विधायक बाबूलाल नागर के कोष से स्वीकृत राशि के राशन सामग्री के 25,000 किट से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करना चाहूंगी कि उन्होंने राजस्थान की जनता को कोरोना महामारी जैसी वैश्विक महामारी से उबारने में, बाहर निकालने में और फैसिलिटेट करने का पूरा प्रयास किया। और राजस्थान के अंदर जो उन्होंने एक बात कही कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उनके इस आह्वान के ऊपर राजस्थान के लाखों भामाशाह आगे आए। दूदू के अंदर भी आज लगभग 24-25 हज़ार किट माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में बांटे गए हैं। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कि इस परेशानी के समय में सरकार द्वारा, एमएलए साहब के द्वारा यहाँ पर लोगों को, अपने क्षेत्र की जनता को सहूलियत दी जा रही है। ऐसे मुसीबत के समय में जो व्यक्ति काम आए वो सबसे बड़ा मैं समझती हूँ ईश्वर का रूप है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने राजस्थान की एक हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो कोरोना किट्स हो, जांच की व्यवस्था हो, चाहे खाने की सामग्री हो, इन तमाम चीज़ों का जो राजस्थान के लिए ध्यान रखा वो सरकार का एक बहुत ही बेहतरीन कदम रहा।